खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेते हैं, जहां पर एक लड़के ने आत्महत्या कर ली और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़के का शव देखकर दंग रह गई। जबलपुर के बालदेव बाग इलाके में आत्महत्या की खबर से हड़कंप मच गया। दरअसल एक लॉज में रहने वाला लड़का काफी देर तक जब अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो लॉज के कर्मचारियों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और कमरे में दाखिल हुई तो देखा लड़के की कलाई कटी हुई थी और उसका शव खून से लथपथ हालात में जमीन पर पड़ा हुआ था। तो गेट तोड़कर हम लोग अंदर जाके देखा तो उसने अपने बाएं हाथ की कलाई को काट लिया था, जिससे खून बहा है और उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अब तक की जांच में लड़के की आत्महत्या करने की वजह साफ नहीं हो पाई है। इस बीच IRCTC केस में तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिल गई। CBI ने अदालत से सिफारिश की थी कि तेजस्वी की जमानत खारिज कर दी जाए, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की सिफारिश नहीं मानी। तेजस्वी को राहत मिलते ही RJD दफ्तर में मिठाई बंटी। न्यायिक निर्णय का सम्मान, इसलिए हमने कहा सत्यमेव जयते। तेजस्वी IRCTC घोटाले के मामले में जमानत पर हैं। उन पर CBI अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगा, जिस पर कोर्ट ने तेजस्वी को फटकार लगाई लेकिन उनकी बेल नहीं कैंसिल की। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने मधुबनी जिले से विदेशी शराब की 249 पेटियां बरामद की।